प्रकृति की मार से त्रस्त है उत्तर बिहार, मिथिलांचल और उसके साथ दरभंगा भी। पिछले माह जून में जहां सूखे की स्थिति से दो चार हुए थे लोग, बूंद बूंद पानी को तरस गए थे लोग, वहीं आज जमीन से देखिए या आसमान से देखिए चारों तरफ नजर आता है पानी ही पानी। बाढ़ की इस धार ने लोगों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। झंझारपुर इलाके की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, मधुबनी, समस्तीपुर या फिर दरभंगा की बात करें, इन इलाकों में पानी से लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। कभी पानी के लिए तरसते लोग आज पानी की अधिकता से इतने परेशान हैं कि जान बचाना मुश्किल हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में एक ओर जहां सरकार फूड पैकेट्स गिराकर, कम्युनिटी किचन चलाकर, पशुओं के लिए चारों का इंतज़ाम कर, लोगों और पशुओं के लिए मेडिकल टीम और दवाइयों चिकित्सा का इंतज़ाम कर मदद करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संस्थाएं और आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने की पुरजोर कोशिश की है। दरभंगा और आसपास के इलाकों की यह एरियल व्यू तस्वीर जो हेलीकॉप्टर से ली गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर के नज़र से, हेलीकॉप्टर के ज़रिए कैमरे की नज़र से बाढ़ की तस्वीरें। और साथ ही हम आपको यह बताते चलें कि 7215 पैकेट सूखा राशन एयर ड्रॉप किया गया, यानी हेलीकॉप्टर से गिराया गया बुधवार को दरभंगा और आसपास के इलाके में। वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संपर्क विहीन गांव और टोलों में सूखा राशन पैकेट्स गिराने का कार्य बुधवार को भी जारी रहा। दरभंगा के केवटी रनवे से सेना के हेलीकॉप्टर ने कुल 9 खेप में 5125 फूड पैकेट्स विभिन्न क्षेत्रों में ड्रॉप किया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि बाढ़ से घिरे संपर्क विहीन गांव और टोलों में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स आबादी वाले स्थानों में गिराए जा रहे हैं। बुधवार को केवटी, जाले, सिंहवाड़ा, हनुमान नगर प्रखंडों के बाढ़ से घिरे कई गांवों में पैकेट्स गिराए गए हैं। इसमें अम्माडी, समनपुरा, हसनचक, मस्सा, गिदरपट्टी आदि गांवों में फूड पैकेट्स गिराए जाने की सूचना है। केवटी रनवे पर प्रतिनियुक्त प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज 9 खेपों में कुल 5125 फूड पैकेट्स विभिन्न क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से गिराए गए हैं, जिसमें दरभंगा ज़िले में कुल 3375 पैकेट, मधुबनी में 1750 पैकेट और 2090 पैकेट दरभंगा एवं सीतामढ़ी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एयर ड्रॉप किया गया था। दो दिनों की इस कार्रवाई में दरभंगा जिले से कुल 7215 फूड पैकेट्स दरभंगा सहित मधुबनी एवं सीतामढ़ी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्रॉप किए गए हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पूर्व की तरह सामुदायिक रसोई का संचालन, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, पॉलीथीन सीट्स का वितरण आदि किया जा रहा है। वहीं विस्थापित मवेशियों के लिए भी सूखा चारा वितरण किया जा रहा है। बुधवार को सबसे अधिक अलीनगर प्रखंड में 72, ताड़ीह में 68, हनुमान नगर में 60, केवटी में 40, गौराबौराम में 39, जाले में 31, कीरतपुर में 30, दरभंगा सदर में 29, घनश्यामपुर में 27, सिंहवाड़ा में 23, बहादुरपुर में 16, मनीगाछी में 9, कुशेश्वर स्थान में 11 और कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 5 स्थलों पर सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया। वहीं बाढ़ से विस्थापित परिवारों के बीच अब तक 24,830 पॉलीथीन सीट्स, 15,808 सूखा राशन पैकेट्स का वितरण किया गया है। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर प्रकार की सहायता जारी रखने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है। उन्होंने हिदायत दी है कि इस कार्य में लापरवाही या शिथिलता की शिकायत मिलने पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।